में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन अनोखे और अलग अंदाज में यूपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ किया। प्रदर्शनकारियों ने चूल्हा जलाकर बीच सड़क पर महिला कार्यकर्ताओं ने आटा गूंथकर चूल्हे पर रोटियां बनाई और बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि यह सरकार महंगाई को बढ़ा रही है और आम जनमानस को परेशानियों में डाल रही है। मोदी योगी के वादे सिर्फ वादे ही बनकर रह गए हैं। वहीं सपा जिलाध्यक्ष लोकमणित कांत ने कहा कि सरकार अगर महंगाई पर काबू नहीं कर पाए तो सपा सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। वहीं वरिष्ठ सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि यही भाजपा कहती थी कि महंगाई डायन है, अब यही सरकार गरीबों से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह जन विरोधी सरकार है, इसको गरीब के चौके चूल्हे से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इनका विरोध करेगी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, क्यों कर रही है? जी, आज समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है हमारे अखिलेश यादव के आह्वान पर कि गैस के रेटों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। अब 870 रुपए का सिलेंडर जो मिलने लगा है, अब हम लोग नमक से भी रोटी खाने के लिए लाचार हो रहे हैं। जो गरीब जनता है वो कैसे सिलेंडर खरीदेगी, कैसे रोटी खाएगी? जो उज्ज्वला योजना में इन लोगों ने हमें धोखा दिया है कि सिलेंडर तो दे दिया लेकिन उसे भरवाएंगे कैसे? जो गरीब आदमी है वो कैसे भरवाएगा? 870 रुपए का सिलेंडर हो गया है, सब्जियों पे इतनी महंगाई है, दालों पे इतनी महंगाई है, तो इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, क्या सड़क पर चूल्हा लगाना पड़ेगा आपको? सोना भी पड़ेगा, हम मकान नहीं, गरीब जनता के लिए रोटियां नहीं है, किसान खेत में मर रहा, दिन में वो तो अपनी खेती करेगा, रात में गायों की रखवाली करेगा, क्या करें बताओ? गैस कितनी महंगी हो गई, कहाँ से रहेगा? तो सरकार का विरोध कर रही है आप? हाँ, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार मुर्दाबाद है, किसी काम की नहीं है सरकार। भाजपा सरकार सबसे बेकार है, सबसे निकम्मी है। तो बताएगी समाजवादी पार्टी धरना दे रही है, क्या दे रही है? जिस तरीके से लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जब 365 रुपए का सिलेंडर हुआ करता तो भारतीय जनता पार्टी के चीफ नेतृत्व इंडिया गेट पर धरना सिलेंडर के धरना देता था और कहता था कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज 850 रुपए का सिलेंडर इनको सस्ता लग रहा है। ये हालात इतने खराब है देश के, न रोजगार की चिंता है, न बेरोजगारों का कोई काम है, GDP गिरती चली जा रही है। ये लोग केवल इस देश को हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर में अटकाना चाहते हैं। आज हालात ये हैं कि 850 रुपये में कोई गरीब सिलेंडर भराने को तैयार नहीं है। जो सांकेतिक का चूल्हा देख रहे हो, उन्हें माताएं बहनें जो सपना दिखा रहे थे कि माताएं बहनें आंसू पहुंचने के काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, ये केवल डपूसरा साबित हुआ है। किसी गरीब ने आज तक सिलेंडर लेने के बाद अपना दोबारा सिलेंडर भराने की हैसियत में नहीं है। ये लोग निकम्मे हैं और ये लोग लगातार देश को गुमराह कर रहे, देश को बेच देना चाहते हैं। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने धरना दिया है और हम ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, सिलेंडर की कीमतें जल्दी नहीं घटाई गई तो समाजवादी पार्टी संसद से लेकर सदन से लेकर संसद तक आंदोलन करें। लेकिन बताइए समाजवादी पार्टी जो धरना दे रही है किस चीज़ को लेकर दे रही है? वो ये धरना जो हो रहा है आपका समाजवादी पार्टी के स्तर पर, जिला स्तर पर, ये आपकी महंगाई को लेकर हो रहा है, बेरोजगारी को लेकर हो रहा है, किसान उद्योग को लेकर हो रहा है। आपने देखा होगा कि गैस के दाम एकदम बढ़ा दिए हैं, 144 रुपये। अब आम जनता पर, गरीब पर, जिसको आप सिलेंडर फ्री बांटते थे, जिसको कह रहे थे कि हम सिलेंडर फ्री दे रहे हैं और उसके बावजूद आप उससे कहना 144 रुपये बढ़ाने वाले कमर तोड़ दिए आप। इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन देखा कि हम वापस चूल्हे की तरफ जा रहे हैं, वापस कंडों की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है इनसे, कोई भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। समाजवादी पार्टी हर अत्याचार का, हर भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का विरोध कर रही है। यहाँ आपने देखा होगा बजट के लिए किसानों के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, कितनी नौकरियाँ हैं, यहाँ नौकरी नहीं निकाली है। तो ये सब चीज़ हम जनता में पहुँचा रहे हैं कि जो सरकार बैठी हुई है, किसान उत्पीड़न, नौजवान उत्पीड़न, व्यापार उत्पीड़न, सबके सबका उत्पीड़न कर रही है। तो इसको, इस आवाज़ को हम गाँव गाँव तक ले जा रहे हैं और आने वाले समय में हम 351 पार करके पूर्व गाँव की सरकार लाएंगे और इसी तरह से गाँव गाँव गल गल पहुँच जाएंगे। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।